क्वेश्चन इज वॉट इज वेब सर्वर वेब सर्वर क्या है सर्वर वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम ऑन द सर्वर कंप्यूटर वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो कहाँ पे इंस्टॉल होता है सर्वर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है ओके okay? डे होस्ट और पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ वेब पेजेस एंड डिलीवर प्रोग्राम का क्या फंक्शन होता है क्या वर्क होता है ये पब्लिश करता है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर ये वेब पेजेस को अवेलेबल करता है उनको डिस्प्ले कराता है उनको पब्लिश करता है ओके एंड इट ऑल्सो डिलीवर्स द वेब पेजेस टू द क्लाइंट्स और इसका दूसरा काम क्या है क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर के पास आती है ओके okay? उन रिक्वेस्ट को ये रिसीव करता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ये क्या करता है वेब पेजेस को क्लाइंट कंप्यूटर के पास डिलीवर करता है उनको सेंड करता है ओके okay? और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो किस प्रोग्राम uh, का यूज करते हैं वो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करते हैं टू कनेक्ट टू द वेब सर्वर प्रोग्राम ऑफ द सर्वर कंप्यूटर ओके जो यूजर का कंप्यूटर होता है उस, वो यूजर क्या यूज करता है वेब ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करता है इनऑर्डर टू दू द वेब सर्वर प्रोग्राम ऑफ द सर्वर कम्प्यूटर ओके वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट हेन्ड करता है सर्वर कंप्यूटर के पास जो कौन रिसीव करता है वेब सर्वर वेब सर्वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट क्या डिलीवर करता है वेब पेजेस ओके ओके वेब ब्राउज़र्स को एंड okay? डिलीवर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइन ओके नो सी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द यूजर तो बेसिक फंक्शन क्या है वेब सर्वर का वेब पेजेस को स्टोर करना उनकी प्रोसेसिंग करना और उनको डिलीवर करना ओके टू यूजर टू द्लाइंट ओके एंड हाउ दर डिलीवर होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाईपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल टोल्ड यू प्रीवियस वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कुछ रूल्स होते हैं जो नेटवर्किंग में फॉलो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द डेटा राइट तो यहाँ पे वेब सर्वर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है टू डिलीवर द वेब पेजेस टू द क्लाइंट कंप्यूटर ओके अपार्ट फ्रॉम एसटीटीपी अ वेब सर्वर आल्सो सपोर्ट्स एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ईमेलिंग ओके अब वेब सर्वर एस एम टी पी प्रोटोकॉल का भी यूज करता है किसके लिए ईमेल e को सेंड करने के लिए ओके ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फाइन ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है वेब सर्वर ओके हैल्सो यूज एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स और जब वेब uh, सर्वर को फाइल्स uh, को ट्रांसफर करना है करना होता है फाइल्स को स्टोर करना होता है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके Now how the web server works? Web server कैसे काम करता है देखो When client sends request for a web page, the web server search for the requested page. जब client request send करता है किसी particular web page के लिए web server के पास तो web server क्या करता है उस web page को search करता है फाइन सबसे पहले क्या करेगा क्लाइंट कंप्यूटर वेब ब्राउजर की हेल्प से रिक्वेस्ट को सेंड करेगा फाइन वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी सर्वर कंप्यूटर के पास तो उस सर्वर uh, कंप्यूटर पे उस रिक्वेस्ट को वेब सर्वर प्रोग्राम रिसीव करेगा फाइन ओके देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट इट विल सर्च द वेब पेज और uh, वो उस पर्टिकुलर वेब पेज को सर्च करेगा इफ रिक्वेस्टेड पेज इज फाउंड देन इट विल सेंड इट टू द क्लाइंट अगर उसको जो रिक्वेस्ट आई है वो वाला वेब वेब पेज मिल जाता है, वेब मिल जाता जाता है, है, डॉक्यूमेंट तो वो क्या करेगा उसको हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके इफ द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट फाउंड और अगर उसको वो पर्टिकुलर वेब पेज नहीं मिलता है राइट सर्वर विल सेंड एन एस टी टीपी रिस्पॉन्स एर फोर जीरो फोर नॉट फाउंड तो वो क्या करेगा एक मैसेज सेंड कर देगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की ही हेल्प से एक मैसेज सेंड uh, करेगा एंड दैट एरर मैसेज इज एरर 404 जीरो फोर नॉट फाउंड मींस डेट पर्टिकुलर वेब पेज और दैट पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट हैज नॉट द सर्वर हैज नॉट फाउंड दैट पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट ठीक है सर्वर को वो पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट नहीं मिला है

ओके कैन रिसीव ऑल द रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोग्राम कैन हैंडल के कुछ एग्जाम्पल है अपाची वेब सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर आई आई एस तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीस है जिनके अपने खुद के सर्वर है उसके एग्जाम्पल्स है राइट ना ही तो क्या क्या सर्विस एंड ओनलीस एंड स्कैनर वेब सर्वर हैंडल्स रिसोर्स शेयरिंग रिक्वेस्ट अगर एक नेटवर्क में क्या क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क में प्रिंटर्स और स्कैनर्स को अटैच कर सकते हैं राइट ओके एंड प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स ओके एक नेटवर्क में अटैच करने के बाद और जितने भी कंप्यूटर्स हैं जितने भी डिवाइसेस हैं उसको उस प्रिंटर और स्कैनर्स को यूज़ कर सकते हैं दे कैन शेयर दीज डिवाइसेस ओके एंड जो शेयरिंग की जो रिक्वेस्ट uh, आती है वो कौन हैंडल करता है वो वेब सर्वर हैंडल करता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके लेट अस सपोज देयर इज अ नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं राइट एंड उस पर्टिकुलर uh, uh, उसमें नेटवर्क में क्या है वन प्रिंटर इज अटेस्ट फाइन एंड दीज आर द कंप्यूटर्स ये कंप्यूटर्स हैं आई एम जस्ट मेकिंग इट तो कंप्यूटर्स तो ऑल द कंप्यूटर्स कैन शेयर All the computers can share that particular printer and the scanner. Right? And, inko share karni request, con handle karta hai, web server handle karta hai. Okay? Means all are connected in a network. Okay? And all are using the internet as well. Okay? All are connected to the internet as well. Fine? In that case, web server. I set the request for sharing the printers or any device, any hardware, right? Okay, and accordingly, it will allow the devices to share the equipments. Samajaya. Then we have centralized file storage. Server helps the user to save their. फाइल्स और डेटा ऑन फाइल सर्वर एंड एक्सेसूटर ओके हम आप क्या कर सकते हो आप सर्वर पे कंप्यूटर वेबसाइट पे अपना डेटा अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो फाइल सर्वर पे अपने डेटा को अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हो आपकी और किसी भी कंप्यूटर से जो नेटवर्क से अटैच है ओके okay? उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हो फाइन

आप अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर पे होस्ट करते हो पब्लिश करते हो राइट तो अब यहाँ पे वेब सर सर्वर का क्या काम है वो आपकी वेबसाइट को मेंटेन करता है उसका बैकअप करता है राइट और उसको किसी भी एडवर्स सिचुएशन से बचाता है फाइन ओके एवरीवन इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू